आपको जैसे कि पता है मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो डाली थी जिसका नाम था मैजिक क्यूब के ऊपर। सो गाइस वो वीडियो पूरी मैजिक क्यूब पर बेस्ड थी एंड गाइस मैंने उसमें बताया था कि आपको 40 नंबर को कैसे मैजिक क्यूब देखने मिलने वाला है एंड गाइस क्या आपको क्या वजह हो सकती है कि आपको न देखने मिले। तो उस वीडियो में आप लोगों का काफी ज्यादा हेट मिला, मतलब कुछ बंदे ऐसे थे जो कि टॉक्सिक होते हैं कम्युनिटी में। सो गाइस वहां पे 500 आसपास डिसलाइक आ चुके हैं उस वीडियो के अंदर एंड गाइस वहां पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की थी। भाई लोग यहां पे आपको बताना चाहूंगा एक चीज यहां पे कि भाई आपके लिए भलाई के लिए वीडियो बनाया था एंड गाइस यहां पे मैक्सिमम ऑडियंस जो कि है मेरी वो समझ गई, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बात पे दिमाग के बात नहीं घुसती है तो भाई उनका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने अपने ऑडियंस को बता दिया आपको क्या करना है कैसे करना है, तो जिनको बता दिया उनको समझ में आ गया होगा। बाकी यार अभी मेरे को ज्यादा लगता है तो कल सुबह मैं फिर से वीडियो डालूंगा उसमें गाइस यहां पे जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो सारी चीजें मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, तो गाइस अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपके कमेंट रहे नीचे कमेंट बॉक्स में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि कल मॉर्निंग वाली वीडियो में क्या फिर से मैं मैजिक क्यूब के बारे में बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है कैसा होता है। मतलब रीजन तो मैंने सारे समझा दिए थे, फैक्टर भी बता दिए, बट यस गाइस यहां पे आपके मतलब कुछ लोग यहां पे 500 डिसलाइक कर गए हैं वीडियो के अंदर एंड गाइस कुछ लोग कमेंट में गालियां भी लिखे बिना कुछ जाने एंड गाइस बोल ले फेक वीडियो कुछ बंदे हैं ऐसे गाइस। तो यार ये क्या है, मतलब भाई वीडियो इंसान बना रहा है यार, मतलब आप लोग गाइस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा हूं तो गाइस ये कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि यहां पे मतलब बहुत ज्यादा हेट करते हैं, तो यार कुछ नहीं कर सकते उनका। बाकी यार मेरा मन हुआ एंड गाइस अगर आपका कमेंट आया तो मैं कल सुबह फिर से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और सारी चीजें डिटेल के अंदर समझाने वाला हूं। ठीक है, तो गाइस चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले अपडेट की तरफ। गाइज अभी स्टार्टिंग में थोड़ी मस्ती करते हैं, गाइज यहाँ पे मैं आपको सारे आइटम आइटम क्लेम करके दिखाता हूँ। तो देखो गाइज यहाँ के इनके सर्वर के ऊपर काफी सारे आइटम इनको बिल्कुल फ्री में देखने मिले, जो कि गाइज ये लताम का सर्वर है यहाँ पे गाइज करेक्ट है एंड गाइज यहाँ पे बहुत सारे ग्लूवल के स्किन भी फ्री कैसे फ्री में देखने मिले वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे पहले सारी चीजें क्लेम कर लेते हैं अपन लोग। तो गाइस यहाँ पे जो हमारे दिवाली वाला बंडल है इनको फ्री में देखने मिल रहा है, साथ में गाइस दशा करेक्टर एंड गाइस यहाँ पे एक टोकन मिल रहा है जो कि काफी ओपी वाला टोकन है। अभी उसका मैं यूज बताता हूँ गाइस क्या होने वाला है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे लताम का सर्वर है, यहाँ पे शायद से कुछ 1 मिलियन तक का था इनको माइलस्टोन, तो गाइस वो कंप्लीट कराना था बट यार बिल्कुल फ्री में मिला सारे बंदों को जो कि काफी अच्छी बात है एंड गाइस हमारे सर्वर पे ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको सब चीज लास्ट में बताता हूँ बट उससे पहले गाइस यहाँ पे जो टोकन है उसको यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पे इनको ग्लू वॉल फ्री में देखने मिल रहा है, ठीक है यहाँ पे इतनी सारी ग्लू वॉल भाई साहब आपको देखने मिले जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो मेरे को लास्ट वाली ग्लू वॉल काफी ओपी लगी, मेरे अकाउंट के डायरेक्टली डाल दिया गया था ये सारे रिवॉर्ड्स। तो गाइस यहां पे देखो मैंने ग्लू वॉल क्लेम कर लिया जो कि यार एक टोकन के अंदर इनको ग्लू वॉल की स्किन देखने मिल रही है एंड गाइस काफी ओपी ओपी ग्लू वॉल की स्किन है। ठीक है, तो गाइस यहां पे ये सारी चीजें हमने क्लेम कर ली एंड गाइस अब बैक कर लेते हैं अपन लोग। तो गाइस यहां पे चलते हैं वॉलेट वाले सेक्शन के ऊपर। तो गाइस यहां पे अभी आ जाते हैं यहां पे लकरोल पे। ठीक है, तो गाइस लकरोल में चलेंगे अपन, स्पिन मारेंगे एंड गाइस यहां पे जितने भी मेरे पास वाउचर थे तो गाइस उनका स्पिन मार के देखते कुछ मिलता है कि नहीं। दिस इज गाइस जस्ट फॉर फन, कोई सीरियस मत लेना, ऐसे मजे में कर रहे हैं। तो गाइस यहां पे ऐसे मार रहे बाहर का अकाउंट है तो मैंने सोचा इसका रिव्यू कर दिया जाए जो कि इन लोग सर्वर को देखने मिल रहा है। तो गाइस करें काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज करता है सर्वर के ऊपर, इनके सर्वर पे कितने सारे आइटम गाइस फ्री में देखने मिल रहा है। ठीक है, तो अभी गाइस चलते हैं डायमंड रोल के ऊपर। ठीक है, तो डायमंड रोल के ऊपर गाइस चलेंगे, वहां पे स्पिन मारने वाले हैं यार, देखते हैं क्या मिलता है, कुछ वैसे मिलने वाला नहीं है। अभी गाइस इसके बाद डायमंड रोल पे स्पिन मारने के बाद उसके बाद हम लोग चलेंगे दशा करेक्टर की तरफ। तो गाइस मैं आपको दिखाऊंगा दशा करेक्टर कैसी है, हमारे सर्वर कैसे देख तो मिल सकती है। तो गाइस यहां पे हम लोग स्पिन मार रहे हैं बेसिकली, तो गाइस कुछ भी नहीं मिला, ब्लू प्रिंट मिल चुका है बट ठीक है। तो गाइस यहां पे काफी सारे स्पिन दस स्पिन के अंदर काफी सारे आइटम मिले हैं। ठीक है, तो यार यहां पे स्पिन मार लिया, यहां पे बंडल मिल गया। ठीक है, जो फीमेल का बंडल एक ही स्पिन के अंदर निकल गया नूबड़े अकाउंट में, बाहर का सर्वर का अकाउंट है, मेरे कुछ काम का भी नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहां पे चलते हैं अब दशा करेक्टर। देखो भाई दशा करेक्टर बिल्कुल ओपी है एंड गाइस मैं आपको बता दूं ये करेक्टर जो होने वाली है बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट करेगी अगर गाइस आप फास्ट मूवमेंट में अपना मतलब करना चाहते हो एंड गाइस थोड़ी सी रिक्वायर फेस करते तो गाइस ये आपको ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी तो गाइस यहाँ पे देख लो ये दशा करेक्टर काफी ओपी लग रही है देखने में एंड गाइस अगर आप फीमेल करेक्टर यूज करना पसंद करते हो उसकी मूवमेंट आपको अच्छी लगती है तो यस गाइस आप इस करेक्टर के साथ जरूर से जाना क्योंकि ये जो करेक्टर होने वाली है वो काफी ओपी होने वाली है। ठीक है, अभी गाइस हम लोग बात करने वाले हैं करेक्टर हमारे सर्वर के ऊपर कैसे आपको देखने मिलने वाली है। तो गाइस मैं आपको बता दूं हमारे सर्वर के ऊपर के काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको डायरेक्टली स्टोर के अंदर अवेलेबल करवा दिया जाए, नहीं तो गाइस आपको यहाँ पे शायद से टॉप अप इवेंट के अंदर भी डाला सकता है जहां पे गाइस आपको 100 से 100 डायमंड का टॉप अप करना पड़ सकता है एंड उसका जो पूरा बंडल होने वाला है वो 1000
डायमंड के अंदर देखने में मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे सर्वर के ऊपर आ सकता है, स्टोर के अंदर भी आ सकता है। बाकी मेरे को बहुत कम प्रोबेबिलिटी लगती है कि हमारे सर्वर के ऊपर फ्री में देखने मिले, इनके सर्वर पर देखने मिला, बट हमारे सर्वर पर काफी कम चांसेस है कि हमारे सर्वर पर आप जो करेक्टर है बिल्कुल फ्री में देखने मिले, क्योंकि इस काफी ज्यादा गहरा मेहरबान हो गई है, काफी सारे आइटम प्रोवाइड करा रही है, बट यार इसके बहुत कम चांसेस है क्योंकि बाहर के सर्वर का करेक्टर है। तो यार अभी जय करेक्टर फ्री में देखने मिला था, बट इसका गाइस मेरे को बहुत कम चांस लगता है कि आपको फ्री में देखने मिलेगा। बाकी जो यार मेरे को लगता है ये आपको अवेलेबल करवाया जाएगा स्टोर के अंदर या लक रॉयल के अंदर, स्पेशल रॉयल का डाला जाएगा उसमें भी गाइस ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी गाइस बात करने वाले हम लोग यहाँ पे रॉकी पैड के बारे में। तो बेसिकली आपको पता है हमारे गेम के अंदर आपको रॉकी पैड देखने मिल रहा है। सो गाइस इसके बारे में मैंने आपको आज से 2 महीने पहले बता दिया था, एंड गाइस फाइनली अवेलेबल करवा दिया गया हमारे पेट सेक्शन के अंदर। एंड गाइस काफी ओपी एंड गाइस काफी क्यूट पेट लगता है मेरे को, एंड इसकी जो एबिलिटी वो भी काफी ओपी है। अगर आपको नहीं पता तो एबिलिटी मैं बता देता हूँ, ये जो हमारे करेक्टर की कूल डाउन टाइम होता है तो गाइस इसको रिड्यूस करता है, मैंने काफी अगर बता चुका है। तो गाइस आप सब लोगों को पता ही होगा, बाकी इसकी स्किन भी देखने को मिल रही है, एंड गाइस इसकी स्किल जो है वो काफी पेस का स्किल का नाम जो रखा गया गाइस वो स्टे चिल। तो अभी अपन बात कर लेते हैं हमारे सर्वर के ऊपर कैसे देखने मिल सकता है। तो यार इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब 99% कंफर्म मांग चलो कि हमारे सर्वर के ऊपर ही आपको टॉप अप इवेंट के अंदर देखने मिलने वाला है। इसकी प्राइसेस गाइस मैंने आपको टॉप अप वीडियो में बता रखे हैं, बाकी है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो भाई इसकी जो प्राइस हो सकती है वो हमारी 100 से लेकर 200 डायमंड के बीच में हो सकती है, एंड इसकी जो स्किन की प्राइस हो सकती है वो 500 डायमंड के बीच में हो सकती है। अगर गाइस पैड का टॉप अप इवेंट आता है तो 100% श्योर आपको उसके साथ एक स्किन भी बिल्कुल टॉप अप इवेंट के अंदर देखने मिलने वाली है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि आपको 99% प्रोबेबिलिटी है हमारी टॉप अप इवेंट के अंदर आपको ये पैड अवेलेबल करवा दिया जाए। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना कि आपको ये पैड कैसा लगता है, एंड गाइस आप इसको निकालो कि नहीं, मैं अपने पर्सनली बताऊं तो गाइस मैं इसको जरूर से जरूर निकालने वाला हूं, ठीक है। अभी गाइस बात करते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस अभी हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट इवेंट, एंड उसके बाद गाइस बात करने वाले हम लोग यहां पे जो हमारे M17 की स्किन है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं भाई डिस्काउंट इवेंट के बारे में। तो बेसिकली गाइस ये जो लेवल अप शॉप इवेंट है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, एंड गाइस इसके अंदर आपको लाइट पास देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अभी बात करेंगे लाइट पास के बारे में, इसको क्या है, उसका क्या सीन हो रखा है। तो यार यहाँ पे देखो 58% तक का डिस्काउंट देखने मिला हुआ है मेरे को, एंड गाइस यहाँ पे क्या करना रहता है आपको कुछ आइटम परचेस करने पड़ेंगे। उसका जो सेकंड लेवल है थर्ड लेवल है उसका लॉक खोलोगे, जैसे सेकंड लेवल पे 200 डायमंड का मेरे को कुछ ऊपर फर्स्ट लेवल परचेस करना है, देन गाइस सेकंड लेवल ओपन होगा। एंड गाइस यहाँ पे रियर आइटम को अवेलेबल करवाए गए, मतलब रियर आइटम में क्या है भाई कचरा अवेलेबल करवाया गया है। यहाँ पे दो चीज बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पे देखने में, जो कि यहाँ पे बंडल है, एंड गाइस यहाँ पे आपको जो आपको इमोट देखने मिला है, ठीक है। तो ये दोनों चीज अच्छी है, काफी सारे बंदे बस इसी के लिए परचेस करने वाले हैं। बाकी जो आइटम है ना भाई इतने रद्दी हैं, इतने रद्दी गाइस मैं क्या ही बताऊं को, ठीक है। मेरे को 2 कौड़ी का लगा यार ये लेवल अप शॉप जो इवेंट आया अभी बिल्कुल 2 कौड़ी का लग रहा है भाई साहब, मतलब इसके अंदर कुछ भी ज्यादा अच्छे आइटम नहीं दिए गए। तो गाइस यहां पे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना अपने यहां से कौन कौन सा आइटम लिए, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने एक भी आइटम नहीं लिया यहां पे, मतलब एक दो लिए थे बस, उसके अलावा कुछ नहीं लिया यहां पे, वाउचर्स लिए थे, बाकी तो कुछ लेने लायक आइटम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी यार बात कर ले हम लोग लाइट पास डिस्काउंट इवेंट के बारे में। तो लाइट पास के डिस्काउंट इवेंट के ऊपर आपको काफी जल्दी वीडियो देखने मिल जाएगी, जहां पे मैं आपको बता दूंगा राइट पर डिस्काउंट इवेंट का क्या सीन है, हमारे देखने मिल सकता है कि नहीं इस मंथ। तो आपने मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि राइट पर डिस्काउंट इवेंट के ऊपर वीडियो डालूं, बेसिकली गाइस जल्दी आपको राइट पर डिस्काउंट के ऊपर वीडियो आ जाएगी। एंड गाइस यहां पे मैं थोड़ा सा चीज कंक्लूड करना चाहूंगा यहां पे कि हमारा जो राइट पर डिस्काउंट इवेंट वो इस मंथ नहीं देखने मिल सकता है, बाकी और सारी चीजें मैं आपको और वीडियो में बता दूंगा। इस इवेंट के बारे में आपको सजा रही है कैसे आपको यहां पे परचेजिंग करनी होती है। अभी हम गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारा M17 के जो गन की स्किन न्यू निकल के आ रही है। सो गाइस हमारे M17 की जो गन की स्किन है वो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, तो कुछ इस टाइप से है। एंड गाइस काफी सारे लोग आपको इसका नाम विंडरलैंड बता रहे होंगे, तो अभी देखो मैं आपको बता दूं इसका नाम विंडरलैंड नहीं हो सकता है। वैसे भी कुछ भी यहाँ पे कुछ मतलब लैंग्वेज चेंज है तो यार कुछ भी मत मानो अभी, ठीक है। जैसे ही मेरे को पता चले इसका नाम एंड इसकी एबिलिटीज, तो यहाँ पे काफी सारे लास्ट वाली वीडियो पे कमेंट किए थे बंदे इसकी एबिलिटीज बता दो भाई। तो देखो यार एबिलिटीज इसमें हो सकता है यहाँ पे आपको रेंज माइनस मिल जाए, ठीक है, थोड़ा रेंज माइनस मिल सकती है, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है भाई। यहाँ पे अभी इसको बस यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन के ऊपर डाला गया है, बाकी इसकी लीक निकल के आ चुकी है, इसका रॉ फाइल निकल के आ चुका है जो कि मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रही है। इसके डिजाइन जो जैसी होने वाली है, अभी गाइस इसका यहाँ पे जो एटीट्यूड्स होने वाले हैं वो कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, तो गाइस इसका एटीट्यूड्स कंफर्म मत मांगना अगर कोई बोला है। जैसे गाइस कंफर्म एटीट्यूड्स पता चलेंगे मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा एंड इसमें बता दूंगा। एंड यार होप्स यहाँ पे होप होने वाली कि गाइस जो हमारी 2-5 में एक गन की स्किन आ चुकी है जो कि हमारी ट्रॉपिकल पैरेट वाली थी, एंड गाइस एक और गन की स्किन आपको M17 की देखने मिली थी, तो उससे ज्यादा ये अच्छी गन की स्किन होने वाली है क्योंकि यहाँ पे गाइस इनको फुल बिजनेस करना है। एंड यार आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि मेरे लास्ट वाली वीडियो में काफी ज्यादा आया था वो ये था कि वेपन रोल में क्या हमारी गन स्किन देखने मिल सकती है। तो देखो गाइस मैं आपको बता दूं हमारे वेपन रोल के अंदर ये वाली गन की स्किन नहीं आने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमारे कहना इसको कोई देगी बढ़िया वाले इवेंट में जहां पे आपको 2 से 3 हजार डायमंड आराम से फूकने पड़ेंगे देन आपको मिल सकता है। बाकी यार इसका चांसेस है कि हमारे जो वाले फेडेड व्हील इवेंट होता है उसके अंदर भी आ सकती है, ठीक है। तो अभी गाइस एटीट्यूड इसके कंफर्म नहीं हुए हैं। बात कर लेंगे जी गन की स्किन अभी कब तक आपको देखने मिलने वाली, तो गाइस ये गन की स्किन आपको दिसंबर मंथ में देखने मिल सकती है। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे कुछ ज्यादा मैंने खास बताया नहीं, बस ऐसे मस्ती में वीडियो बनाई थी जो कि मैंने आपको दिखाने थे आपको बाहर के सर्वर के इवेंट
एंड थोड़ी थोड़ी डिटेल्स देनी थी। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट करना। एंड गाइस मैं आपको बता दूं एक और चीज यहां पे कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा मैजिक क्यूब के ऊपर आपको एक और वीडियो चाहिए कि नहीं, वो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आगे आपका कमेंट आता है यस में, तो गाइस मैं सुबह सुबह आपके लिए एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें मैंने आपको सब कुछ बता देना है। ठीक है, तो बस मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।